अरुण की वाइफ हैरान हो गई जब मनारा चोपड़ा ने बोला कि मैं तुम्हें अपनी कजिन की पार्टीज में लेके जाऊंगी। अब कजिन कौन है? प्रियंका चोपड़ा, परिणीति, ये सब लोग, यानी कि बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस जो है वो मनारा चोपड़ा की कजिन्स हैं। और अब मनारा चोपड़ा को एक्चुअली में मनारा चोपड़ा के नाम से जाना जाने लग गया है, जिसके लिए मनारा आई थी इस प्लेटफॉर्म पे। वो प्लेटफॉर्म पे आके जो है वो चीज़ तो सक्सेस हो गई। अब अरुण और जो अरुण की बीवी है, वो मतलब अरुण की बीवी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव जो है इस घर में नज़र आ रही है, सब लोगों से काफ़ी बात कर रही है और उसकी हिंदी और इंग्लिश जो है मिक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, लोगों को, घर के सदस्यों को काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन हो रहे हैं। तो पर मुझे यहाँ पर एक छोटा सा डाउट ये लगा कि जो परिणीति के बारे में इतना बड़ा मुद्दा बना, जो कि ये बिग बॉस को इतना ज़्यादा फॉलो कर रही हैं और फिर भी जो है इनको परिणीति और प्रियंका के बारे में पता नहीं है कि वो मनारा की बहनें हैं, मनारा की कज़िन हैं, ये थोड़ा बहुत अटपटा सा लगा। जहाँ पर ये सब बातें होती है और पता चलता है कि अरुण जो है अपनी बीवी को भी कहीं पर भी जाने नहीं देता, वो काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव है। अगर उसको किसी के साथ दोस्ती करनी है तो सिर्फ बच्चों के साथ करनी है और किसी और के साथ वो कर नहीं सकती, और रातों को वो कभी भी बाहर नहीं छोड़ता है अपनी बीवी को। पर मनारा ये सब चीज़ें सुनने के बाद मनारा ने बोल दिया कि मैं ना, हम लोग ना बाली जाएंगे, मैं, ईशा और तुम बाली जाएंगे। तो वहाँ पर बोलते कि हाँ ठीक है। तो फिर बोलते कि जब मैं मुंबई आऊँगी ना, मनारा बोलती मैं मुंबई आऊंगी ना, तुम भी मुंबई आना मेरे साथ रहना। तो बोलती है तुम क्या करोगे अरुण? तो अरुण बोलता है मैं विक्की के साथ रह जाऊंगा। तो ये लोग सब लोग मस्ती मजाक कर रहे हैं और वहीं पर जो है बात पता चलती है। मनारा बोलती है कि मैं ना तुझे अपनी कजिन्स की पार्टी में लेके जाऊंगी, बहुत ही अच्छा क्राउड रहता है, बहुत ही अच्छा सब चीज़ें रहता है। तो वो बोलती है ओके ओके। बाद में अरुण से पता चलता है कि इसकी कज़िन जो है परिणीति चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा है, ये मनारा चोपड़ा है। तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करती है कि क्या मैं उन लोगों से मिल सकती हूँ। और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और मनारा के गले लग जाती है और मनारा को बोलती है कि एक्चुअली मैं, मुझे तुम्हारे बारे में ना, इस कज़िन्स के बारे में पता नहीं है, और तुमने, मतलब कि मैंने तुम्हें पसंद किया, मनारा चोपड़ा को पसंद किया, ये देख के पसंद नहीं किया कि तुम इनकी बहन हो। तो मनारा इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करती है और काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे सोच के, मैं हूँ मनारा चोपड़ा, उसको प्यार किया, ऐसे प्यार नहीं किया कि मैं उनकी बहन हूँ। यही चीज़ जो है मनारा चोपड़ा चाहती थी और वो चीज़ जो है मनारा चोपड़ा को मिल गई। जो चीज़ चाहते हैं ना, अगर एक भी बंदे से कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है ना तो सक्सेसफुल फील होता है, और मनारा को डेफिनेटली ये सक्सेसफुल फील हो रहा और मनारा सक्सेस भी हुई है। बिकॉज आज से पहले मैं नहीं जानती थी मनारा कौन है, बट अब मैं जानती हूं कि मनारा कौन है। तो हालांकि ये चीज हमेशा तक याद रखी जाएगी, जब भी बिग बॉस 17 का नाम लिया जाएगा मनारा का नाम भी याद किया जाएगा। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।